डिजिटल वॉर की बात करें तो क्या अक्षय कुमार की लक्ष्मी सलमान खान की राधे से आगे निकल गई है? जी हाँ, कुछ इसी तरह का एक सर्वे जो है वो सामने आया है कि लक्ष्मी ने YouTube प्लेटफॉर्म पर सलमान की राधे को पीछे छोड़ दिया। अगर मैं OTT की बात करूं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की, तो एक बात तो साफ है कि 4.2+ मिलियन व्यूज के साथ राधे का रिकॉर्ड है, और जहां तक बात है लक्ष्मी की, उसको शायद 3.9 मिलियन व्यूज मिले थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि अगर YouTube पर बात की जाए तो YouTube पर जितने भी प्लेटफॉर्म पर राधे का ट्रेलर रिलीज हुआ था, चाहे वो जी स्टूडियो, जी फाइव, जी प्लेक्स और जी म्यूजिक कंपनी, इन पांचों चैनल को मिलाकर जितने भी पांच चैनल थे, सलमान खान फिल्म, जी स्टूडियो, जी फाइव, जी जी प्लेक्स और जी म्यूजिक कंपनी, 67.5 मिलियन व्यूज मिले, जबकि अक्षय के ट्रेलर लक्ष्मी को 85 मिलियन व्यूज मिले फॉक्स स्टार हिंदी पर। इतना ही नहीं, जहां पहले दिन 4.2+ मिलियन व्यूज थे राधे को, वहीं लक्ष्मी को 3.7 मिलियन व्यूज थे। तो कोई मोई की खबर के अनुसार जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यानी कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, उसमें राधे के पांच चैनल के व्यूज उतने नहीं हैं जितना अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी के हैं। तो एक बात तो तय है कि, और ये भी मानना है कि ईद की वजह से राधे को लेकर लोगों का क्रेज ज्यादा था, इसलिए इनिशियली जो है राधे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो शायद ये फिल्म उतनी कमाई ना कर पाए जितना लक्ष्मी ने की है। लेकिन एक बात तो साफ है कि सलमान खान की फिल्म राधे ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। ऐसे में हिंदी सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में इन रिकॉर्ड्स को तोड़ना काफी भारी पड़ सकता है। तो अब देखना होगा कि जो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जी के सीईओ ने एक बात कहा था, उन्होंने कहा था कि 3 से 4 हफ्ते लगेंगे हमें ये बताने में कि टोटल कमाई कितनी हुई है। फिलहाल एक बात तो तय है कि हमें राधे को रिलीज करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो अब ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा कि आखिर जी जो है इस बारे में किस तरह का बयान इशू करता है।